यह है दुनिया का सबसे लंबा डैम, और गर्व की बात यह है कि ये हमारे हिंदुस्तान इंडिया में है, जिसकी लंबाई ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स है। एंड दिस इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट कि आज हम इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमर और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए, क्योंकि ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए भी, क्योंकि मैं आज वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डैम को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए एंड तक, क्योंकि ये वीडियो आज बहुत ही स्पेशल वीडियो है और इसकी मैं सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हीराकुंड डैम जो है ओडिशा इंडिया में, आज इसे हम एक्सप्लोर करते हैं। आज हम चल रहे हैं मुंबई से उड़ीसा की तरफ संबलपुर में, जहाँ से ये हीराकुंड डैम ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स अवे है। तो चलो लेट्स गो। तो इस वक्त सुबह के 10:30 बजे है और हम हैं संबलपुर जंक्शन में, और ये है संबलपुर का नेशनल हाईवे, विच इज़ नेशनल हाईवे नंबर 55, और यहाँ से हम हीराकुंड एक गाँव है उस तरफ हम चलेंगे। और इस तरीके से ये जंक्शन है जहाँ से आप शेयर रिक्शा या फिर आप बस से भी हीराकुंड जो गांव है वहां पे आप जा सकते हैं, और फिर वहां से करीबन कुछ 5-6 किलोमीटर है हीराकुंड गांव से। तो संबलपुर जंक्शन से हीराकुंड डैम ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर है। तो हमने अभी ये शेयर रिक्शा यहां से की है और ये हमें ले जाएगा हीराकुंड डैम की तरफ। तो हमें ये शेयरिंग रिक्शा से 100 रुपीज़ का कॉस्ट आया है संबलपुर से हीराकुंड डैम के पास पहुँचने के लिए। और ये है वो डैम का मेन गेट, तो ये है जवाहर उद्यान जो एक गार्डन है, एक बहुत बड़ा गार्डन है डैम के पहले, और यहाँ से हमें एंट्री टिकट लेके अंदर जाना है। और एक मेन गेट के ठीक सामने यहाँ पे काफ़ी बड़ा पार्किंग लॉट है, तो आपको कार या टू व्हीलर पार्क करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से हम अभी टिकट लेते हैं और अंदर चलते हैं। तो ये हमने गार्डन का टिकट ले लिया है, विच इज़ 10 रुपीज़, और ये गार्डन के अंदर से हम अब डैम की तरफ चलेंगे। और ये यहाँ पे डैम का टाइमिंग है, विच इज़ फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, बट नवंबर और जनवरी में आप यहाँ पे सिर्फ आफ्टरनून में आ सकते हैं। तो बेसिकली इस डैम के पास एक वॉच टावर है जो काफ़ी हाइट पे है, तो वहाँ पे जाने के यहाँ पे दो रास्ते हैं, या तो आप केबल कार के थ्रू उस हाइट तक जा सकते हैं, या फिर आपको इस मेन गेट के बाहर ही आपको शेयरिंग वैन मिल जाएगा, वो वैन से बाय रोड आप उस टॉप तक जा सकते हैं। तो हम दोनों को यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से जो केबल कार है उसके थ्रू मैं ऊपर टॉप में जाऊँगा, उसके बाद हम जो शेयरिंग वैन जो बाहर खड़ी रहती है, हम उस शेयरिंग वैन से बाय रोड भी हम टॉप पे जाएंगे। तो मैं आपको दोनों चीज़ को एक्सप्लोर करके मैं आपको बताऊँगा, तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा सही रहेगा। केबल कार की जो बुकिंग काउंटर है और इसका जो एंट्री गेट है, वहाँ पे जाने के लिए आपको इस गार्डन के थ्रू जाना पड़ता है। तो इस गार्डन में इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि आपको किस तरफ जाना है फॉर बुकिंग योर केबल कार का राइड के लिए। और दूसरी बात ये है कि ये जो गार्डन है, दिस इज़ अ वेरी ह्यूज गार्डन, ये बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है। यहाँ पे काफ़ी शांति है और आपको एक बहुत अच्छा यहाँ पे जो जितनी भी यहाँ पे बर्ड्स है उनके काफ़ी सिंगिंग्स आपको यहाँ पे सुनने के लिए मिलेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो अभी हम इस गार्डन के थ्रू जो केबल कार का जो बुकिंग काउंटर है उस तरफ चलते हैं, और जैसे आप आगे आएंगे तो ये है वो केबल कार जिसके थ्रू हम टॉप में जाएंगे। तो जल्दी से जाके हम अपना टिकट ले लेते हैं और तुरंत हम केबल कार में सवार होके हम टॉप पे जाते हैं डैम को एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम केबल कार के बुकिंग काउंटर के पास पहुंच गए हैं, और ये उसका कुछ एक नज़ारा है जो काफ़ी जंगल और बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पे, और ये सामने यहाँ पे बुकिंग काउंटर है। तो आइए चल के अपनी केबल कार का टिकट हम ले लेते। तो ये हमारा केबल कार का रिटर्न टिकट, विच इज़ 84 रुपीज़। तो आइए जल्दी से हम केबल कार में सवार होते हैं, एंड आई रियली वांटेड टू गो ऑन द टॉप एंड सी दैट डैम एक्चुअली। तो आइए मेरे साथ। तो हमारी केबल कार की राइड यहाँ पे शुरू हो चुकी है, और हम टॉप में जो आपको यहाँ पे टावर दिखाई देता है हम वहाँ पे पहुँचेंगे। तो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, और ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है।
बिकॉज कि जो चीज़ हम अभी देखने जाने वाले हैं, मैंने दुनिया में इतना विशाल चीज़ आज तक अपने आँखों से नहीं देखा है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस प्लेस। तो आइए जल्दी से ऊपर पहुँचने की कोशिश करते हैं। और यहाँ से अब जब नीचे देखेंगे तो आपको जो गार्डन का जो व्यू है वो बहुत ही कमाल का दिखता है, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सी एट दिस गार्डन, ये जवाहरलाल नेहरू गार्डन है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और ये ऊपर से तो काफ़ी कमाल का दिखता है। इट इज़ रियली ऑसम ऑसम, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। और यहाँ से आपको अभी डैम्स का ग्लिम्सेस दिखाई देगा। ये वो डैम है, ये तो कोई समुंदर से कम तो नहीं दिख रहा है एक्चुअली, एंड दिस इज़ ह्यूज ह्यूज। तो थोड़ा और ऊपर चल के देखते हैं, वाव वाव, ये देखिए, ये तो आपको समंदर की तरह दिखता है। आई थिंक इतना बड़ा डैम तो आई थिंक आई हैव नेवर सीन इन माई लाइफ। दिस इज़ अ नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, सीरियसली। तो आइए हम इसके बाद जब हम उतरेंगे तो हम उस टावर पे जाएंगे, और वहाँ से टावर से आपको जो सीन दिखता है हम आपको वो दिखाएंगे, बिकॉज वहाँ से आप पूरा डैम का नज़ारा देख सकते हैं और पूरी सराउंडिंग देख सकते हैं। तो चलिए हम वो टावर तक पहुँचते हैं और टावर के ऊपर जाते हैं और फिर आपको ज्वाइन करते हैं। तो इस वक्त हम ये हिल टॉप पे आए हैं, यहाँ पे भी थ्रू केबल कार, और यहाँ से एक यहाँ पे टावर है विच इज़ नोन एज गांधी मीनार। तो हम उस टावर के टॉप में जाके इस डैम को हम ऑब्जर्व करेंगे। तो आइए, ये जो टावर है दिस इज ऑलमोस्ट 65 फीट इसकी लंबाई है, और ये है गांधी मीनार जो बना था मार्च 1959 में। और ये जो डैम की पूरी हिस्ट्री है मैं आगे आपको मैं वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं। एक यहाँ पे ये छोटा सा यहाँ पे बैल्कनी बनाया हुआ है, जैसे आप एक वन फ्लोर आप ऊपर आते हो तो ये एक छोटा सा यहाँ पे बैल्कनी बनाया है। तो हम जस्ट अभी ऊपर चलते हैं, तो इन सीढ़ियों से आपको ऊपर की तरफ जाना है टॉप में, और वहाँ से जो पूरा डैम है हम उसको आराम से देख सकते हैं। तो हम इस वॉच टावर के टॉप में पहुँचे हैं और यहाँ से हम अभी डैम देख सकते हैं। बट उससे पहले अगर आप इसका फ्लोर देखेंगे तो ये बेसिकली एक रोटेटिंग टावर है विच इज़ रियली ग्रेट। और यहाँ से अभी हम डैम देखते हैं, एंड लुक एट दिस व्यू, दिस इज़ ह्यूज ह्यूज, माय गॉड, इतना बड़ा मैन मेड मार्वल मैंने आज तक अपने लाइफ में देखा नहीं है। दिस इज़ ह्यूमंगस एक्चुअली। तो ये है हीराकुंड डैम, जो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, जिसकी लेंथ है ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स, और जो एक्चुअल डैम का जो लेंथ है दैट इज़ 4.8 किलोमीटर्स, और जो बाकी का जो पूरा एरिया है ये ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स एंड अबव है, विच इज़ रियली अ ग्रेट एंड अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। ये है संबलपुर में, और संबलपुर से ये ऑलमोस्ट एक 20 किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम संबलपुर ओडिशा में। और यहाँ से आप पूरा जो डैम और जो गार्डन और ये आप पूरा परिसर आप ये टावर से आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो वाटर बॉडी जो आपको दिख रहा है दिस इज़ माइंड ब्लोइंग, ये ऑलमोस्ट 743 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आइए इस वाटर बॉडी को हम गूगल अर्थ में देखने की कोशिश करते हैं। तो ये है हीराकुंड डैम, और जो इसका वाटर बॉडी है इट इज़ ऑलमोस्ट 743 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो आप इमेजिन कीजिए कि ये 742 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ इसका जो वाटर बॉडी है, और आई थिंक ये मैन मेड मार्वल है एक्चुअली। और इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन और इतना बड़े स्केल में इसे बनाना, इट इज़ रियली माइंड बॉगलिंग। और जस्ट इसे थोड़ा जूम करके हम डैम देखते हैं। तो ये है मेन डैम, जिसकी जो लेंथ है इट इज़ ऑलमोस्ट 4.8 किलोमीटर्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, और ये पूरी डैम की जो बाउंड्री है इट इज़ मोर देन 25 किलोमीटर्स। तो ये महानंदा नदी के ऊपर बना हुआ मैन मेड मार्वल है, और ये एक वाटर रिजर्वायर है ओडिशा के लिए, एंड दिस इज़ ह्यूज एंड ह्यूमंगस। तो इस डैम के दोनों तरफ दो पहाड़ है एक्चुअली, वन इज़ लक्ष्मी डुंगरी जो इसके लेफ्ट साइड में आता है, एंड सेकेंड वन इज़ चांदीपली डुंगरी जो इसके राइट साइड में आता है, और उसके बीच में ये डैम को बनाया गया है। सर हॉथन लुइस जो गवर्नर थे उड़ीसा के, और उन्होंने इसका नींव रखा था 15 मार्च 1946 को,
और उन्होंने इसका रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को सबमिट किया था जून 1947 को कि यहाँ पर इस डैम का निर्माण होगा करके। और फिर उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे पीएम थे इंडिया के, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया 12 अप्रैल 1948 को और ये डैम बनके कंप्लीट हुआ 1953 को। और इसकी जो एस्टिमेट कॉस्ट थी डैम की, इट वाज ऑलमोस्ट 92.80 करोड़ रुपीस ये 1953 में। अगर इसकी वैल्यूएशन अगर हम आज 2023 में करेंगे तो इट विल कम टू अराउंड 8,400 करोड़ के लगभग। आई एम नॉट श्योर, ये मैंने जस्ट इंटरनेट में देखा था। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि 1953 में जो 92.80 करोड़ में एस्टिमेट से ये डैम बना था, इसका करंट वैल्यू वैल्यूएशन इसका क्या होगा। अगर जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक पानी ही पानी है। आई थिंक इतना ह्यूज मैन मेड रिजर्वर मैंने आज तक अपने लाइफ में तो नहीं देखा है। तो चलिए अब हम इस टावर से नीचे चलते हैं और इस टावर के नीचे भी एक गार्डन और एक प्ले एरिया है, तो चल के हम उसे एक्सप्लोर करते हैं। तो इस गांधी मीनार के ठीक नीचे एक छोटा सा ये प्ले एरिया है और ये छोटा सा यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे आप टहल सकते हो। और यहाँ से भी आपको जो डैम का जो व्यू है यहाँ से भी बहुत ही काफ़ी कमाल का औसम आता है। और यहीं पे आपको स्नैक्स, टी, कॉफ़ी वगैरह भी मिल सकता है। अब मेरे लेफ्ट साइड में उसके स्टॉल्स है और यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए आपके तीनों तरफ आपको सिर्फ पानी ही दिखाई देता है। एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल साइट आई हैव एवर सीन। और यहाँ पे आप थोड़ा अलर्ट रहना होगा आपको और आपके सामान की आपको हिफाजत करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ मंकीज भी है जो आपके हाथ से बैग्स या कुछ भी सामान या आपका मोबाइल भी छीन के भाग सकते हैं। तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल ओवर हियर और आपको थोड़ा अलर्ट भी रहना होगा। तो आई होप अब तक ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, आपके कमेंट्स दीजिए और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम यहाँ से नीचे उतरेंगे केबल कार से और हम रोड की थ्रू यहाँ पे किस तरीके से पहुँच सकते हैं हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो इस वक्त हम केबल कार से नीचे आ चुके हैं और नीचे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे ये गार्डन है यहाँ पे और ये काफ़ी विशाल और काफ़ी बड़ा गार्डन है। तो हम जस्ट इस गार्डन को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे एक फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम बिताने के लिए ये काफ़ी अच्छा जगह है क्योंकि यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए भी काफ़ी यहाँ पे सुविधा है यहाँ पे। एंड इस गार्डन में इतनी पीस है कि यहाँ पे आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इतना अच्छा यहाँ पे माहौल है, बहुत एक प्लेजेंट क्लाइमेट है यहाँ पे। तो आइए थोड़ा इस गार्डन को मैं एक्सप्लोर करता हूँ। एक काफ़ी बड़ा गार्डन है तो आई डोंट थिंक कि मैं इंटायर गार्डन में कवर कर पाऊँगा, बट यहाँ के जो अच्छे अच्छे जो चीज़ मतलब जिस गार्डन में जो अच्छी जगह है जहाँ पे आप अच्छी तरीके से टाइम स्पेंड कर सकते हो, जैसे ये झूले हैं बच्चों के लिए, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुली पेंटेड और ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो यहाँ पे आपके बच्चे काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। और मुझे सबसे अच्छा लगा ये पेड़, ये काफ़ी विशाल पेड़ है यहाँ पे इस गार्डन के बीच में। तो यहाँ पे जब छाया होती होगी तो आप इसके नीचे बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं एंड दिस इज़ रियली अ वेरी पीसफुल एंड अ ब्यूटीफुल जगह है। तो शाम के 4 बजे के बाद अगर इनकेस अगर आप आते हैं यहाँ पे आप एक बहुत ही अच्छा टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद हम दोबारा हिल टॉप पे जाएंगे बाय रोड। अगर जिनको भी केबल कार से तकलीफ है ऊपर की तरफ जाने के लिए तो यहाँ से आप रोड से भी आप ऊपर जा सकते हैं। तो इस वक्त हमने यहाँ से ये शेयर वैन ले लिया है जो आपको यहाँ से हिल टॉप और वापस नीचे ले आएगा मात्र 40 या 50 रुपीस में। तो अभी हम जस्ट उसी गांधी मीनार की तरफ हम जा रहे हैं बाय रोड और ये रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, मतलब दोनों साइड में काफ़ी अच्छा जंगल जैसा माहौल है यहाँ पे। और हम लोग जस्ट अभी टॉप में जा रहे हैं, जो गांधी मीनार जो हम टावर पर गए थे ये रास्ता वहीं पर जाता है। तो चलिए अब वहाँ पे ऊपर जाके फिर मैं आपको आगे की चीज़ दिखाता हूँ। तो ये पार्किंग लॉट है, तो यहाँ से उतर के आप आगे सामने जो गेट है उसके अंदर से आप वापस गांधी मीनार के पास आप जाएंगे।
और दूसरी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे 30 या 40 मिनट्स का समय दिया जाता है, तो ये वैन वाले आपके लिए यहाँ पे रुकेंगे, ये आपका मोबाइल नंबर लेते हैं एंड दे विल वेट हियर फॉर ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स। उसके बाद ही आपको कॉल करेंगे, तो आपको वापस आना है इनके गाड़ी में और फिर यहाँ से आपको नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो हम ऑलरेडी उस गांधी मीनार टावर पे हम जा चुके हैं, तो हम आगे वहाँ पे नहीं जा रहे, इनफैक्ट वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग दिस एरिया। और यहाँ से हम चल के वापस नीचे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से चलते चलते आपको डैम का काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको दृश्य देखने के लिए मिलता है। जैसे ये जो ये लेक आपको पूरा देखने के लिए मिलता है और ये पूरे माहौल को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है। इसलिए आई एम जस्ट वॉकिंग डाउन, ये ऑलमोस्ट एक 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है जो मेन डैम से, तो मैं जस्ट वांटेड टू एंजॉय दिस एटमॉस्फियर, दिस प्लेस, तो इसलिए मैं चल के अभी नीचे जा रहा हूँ। और ये है डैम का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैं अभी जस्ट डैम के ऊपर जा रहा हूँ, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं कर सकते, बट मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि कुछ ग्लिम्स मैं आपको दिखा पाऊँ। इस वक्त मैं जस्ट डैम के ऊपर ही हूँ और ये सामने डैम है, यहाँ पे वीडियोग्राफी करना इज रिस्ट्रिक्टेड एक्चुअली, अगर इनकेस अगर मुझे पकड़ा गया तो आई विल बी इन जेल ऑल्सो, बट मैं आपको ये सीन दिखाना चाहता था, दिस इज़ ऑसम। और इस डैम पे खड़े रहने का जो एक्सपीरियंस है इट इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, क्योंकि आपके सामने एक वाटर बॉडी है जो ऑलमोस्ट 443 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, दिस इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट। तो ऑलमोस्ट डैम के ऊपर मैंने 1 घंटे का बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे मैंने स्पेंड किया है एंड इट वॉज रियली अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस एज एन इंडियन कि ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है और हमारे इंडिया में, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने भी काफ़ी इन्जॉय किया होगा। तो अब यहाँ से चलने का समय हो गया एक्चुअली, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, तो चलते चलते और क्या इन्फॉर्मेशन मुझे मिलता है मैं आपको बताते जाता हूँ। यहाँ पे इस डैम को और भी एक्सपांड किया जा रहा है, गेट के बाहर अगर आप देखेंगे तो इस पहाड़ को, इस ये पूरा पहाड़ को एक काट दिया जाएगा और यहाँ पर भी पूरा वाटर बॉडी को एक्सपांड कर दिया जाएगा। तो ये सामने जो गांव आपको दिखाई दे रहा है ये पानी के अंदर सबमर्ज हो जाएंगे कुछ सालों के बाद, तो इस तरीके से ये डैम को और भी काफ़ी स्प्रेड किया जा रहा है। तो अब यहाँ से चलने का समय हो गया है, आई होप ये वीडियो आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स और लोगों में भी इसको प्लीज़ आप शेयर करना, प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक करना, आपके जो भी कमेंट्स है, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है उसके बारे में कुछ आप मुझे बताना चाहते हैं या कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप काफ़ी लोग मेरे चैनल्स देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, ये सब वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत लगता है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।